चलिए गाइस, आज अपने सिलेबस में से एक टॉपिक के ऊपर आज एक टॉपिक हम पढ़ते हैं, ओलंपिक। ओलंपिक आपको पता है, ओलंपिक गेम्स हमारे जो हैं मॉडर्न और एशियंट दो पार्ट्स में है, एशियंट ओलंपिक एंड आपके मॉडर्न ओलंपिक। एशियंट ओलंपिक जो आपके स्टार्ट हुए थे वो 776 BC से स्टार्ट हुए थे और 394 AD तक वो चले। टोटल 12 सेंचुरी जो है हमारे एशियंट ओलंपिक ने चले और 293 टाइम्स वो ऑर्गेनाइज किए गए। आप सभी को पता है कि एशियंट ओलंपिक्स जो है एवरी 4 ईयर्स, सेम ओलंपिक के ड्यूरेशन की तरह एवरी 4 ईयर्स वो बाद ऑर्गेनाइज किए जाते थे। ओलंपिक गेम्स 776 BC में ऑनर्स थे गॉड ज्यूज। जो गॉड ज्यूज थे उनके ऑनर में ये ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे। उनके स्टैचू जो 40 फीट ऊंचा, 7 अजूबों में जो काउंट किया जाता था, 7 अजूबे, बिल्कुल आप पॉइंट इसको नोट कर लीजिए, 7 अजूबे जो काउंट किया जाता था, राजा ज्यूस के जो स्टैचू था उनके स्टैचू के नीचे सभी जो खिलाड़ी थे वो एकत्रित हुआ करते थे कंपटीशन के लिए और वहीं पे वो शपथ भी लिया करते थे। खिलाड़ी, जज और बाकी पब्लिक जितना कि वो ओथ लेते थे, शपथ लेते थे कि हम जो ओलंपिक गेम्स को मिलजुल कर अच्छे से प्रेम पूर्वक, प्रेम भावना से, बिना किसी दोष के खेलेंगे और एक फेस्टिवल जो इनका एक रीजनेबल फेस्टिवल था इसको एंजॉय करेंगे। राजा ग्रूस गॉड ज्यूस के ऑनर में किया जाता था। प्लेस था इनका ओलंपिया। ओलंपिया जो मैदान था जहां पर गॉड ज्यूस का स्टैचू था ओलंपिया मैदान में, उस स्टैचू के नीचे वहां से ओलंपिक गेम्स की स्टार्टिंग शुरुआत होती थी और सभी लोग, राजा हो या फिर आपका ग्रीक के आम आदमी, इसमें सिर्फ ग्रीक के लोगों का पार्टिसिपेशन होता था। राजा भी एक आम आदमी की तरह ही, एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह इसमें भाग लेता था और वह शपथ लिया करता था। ग्रीक के लोग जब ओलंपिक गेम्स 4 साल के बाद जो ओलंपिक गेम्स होते थे उन गेम्स के दौरान अगर यूनानियों के बीच में कहीं पर भी कहीं कोई युद्ध भी चल रहा है तो उस युद्ध को उस टाइम रोक दिया जाता था, क्योंकि ये लोग पूरे शांति रूप से इस गेम को एंजॉय किया करते थे और इन लोगों का विश्वास था कि ओलंपिक गेम जब चल रहे हैं तब तक कहीं पर भी कोई युद्ध नहीं होगा। पूरे ग्रीक से लोग ओलंपिया मैदान में इकट्ठे हुआ करते थे तो वो बेफिक्र होके बिना किसी डर के वो लोग वहां पर आया करते थे। उन्हें इस चीज का यकीन था, विश्वास था कि भगवान ज्यूस जो उनके गॉड थे उनकी जो ऑनर में जो गेम खेले जा रहे हैं उस गेम के दौरान उन्हें किसी प्रकार का कोई जान के ऊपर जानलेवा या फिर किसी प्रकार के अटैक का कोई डर नहीं है और ऐसा ही होता था। ठीक है, हम बात करें ओलंपिक जो गेम्स है एशियंट ओलंपिक, उसमें जो पहला इवेंट होता था वो होता था फुट रेस। ये टोटल ये इवेंट जो है टोटल आपके 5 डेज चलते थे, इनके ड्यूरेशन 5 डेज थी। पहले दिन इनकी ओपनिंग सेरेमनी होती थी। ओपनिंग सेरेमनी में जो शपथ लेना या फिर बाकी जो फंक्शंस होते थे वो सब देखा करते थे, हुआते होते थे। जो इनका पहला इवेंट था वो था फुट रेस। फुट रेस आपका ओलंपिक का पहला इवेंट था फुट रेस। फुट रेस एक दिन चलता था। ट्रैक यहाँ पर स्ट्रेट हुआ करते थे, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ट्रैक जो है स्ट्रेट ट्रैक हुआ करते थे ओलंपिक में। फुट रेस पहला इवेंट था, ठीक है, और ये पूरा एक दिन चलता था। फुट रेस जो है एक दिन आपका चलता था, वन डे का ये इवेंट हुआ करता था फुट रेस। और ओलंपिक में जो कैंडिडेट जो वहां पर पार्टिसिपेशन था, जो जीतता था उसको जैतून के पत्ते, ओलिव वृक्ष का ताज पहनाया जाता था। इस जो वहां पर विनर था 4 साल तक इसको काफी ताज के साथ और बाकी गिफ्ट भी प्रोवाइड किए जाते थे। जब ये जीतने वाला कैंडिडेट अपने राज्य अपने क्षेत्र में जाता था तो वहां पे इसके स्वागत के लिए बहुत सारी तैयारियां की जाती थी, बहुत सारी इसको काफी गिफ्ट तोहफे दिए जाते थे। मतलब जो ये ताज जिसके सर पे था 4 साल उसका जो है अच्छे सम्मान, एक वो रेपुटेटेड पर्सन बन जाता था उस टाइम अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए जहां से लोग आते थे इसमें भाग लेने के लिए। और जितने भी पार्टिसिपेशन थे वो सभी नेकेड होकर इसमें खेलता करते, न्यूड वो सभी ओलंपिक गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते थे। न्यूड ये टोटल गेम हुआ करता था, नेकेड ही इसमें पार्टिसिपेशन करने की कंडीशन थी, ठीक है। और ये ओलंपिक गेम्स मैंने आपको बताया कि 4 ईयर, एवरी 4 ईयर्स के बाद ये ऑर्गेनाइज किए जाते थे। जैसे अभी ओलंपिक गेम्स आप देख रहे हैं, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स भी एवरी 4 ईयर ही जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वैसे ही। और ये भी अगस्त से सेप्टेंबर महीने के बीच में एवरी 4 ईयर जो है अगस्त सितंबर जो है एवरी 4 ईयर ये हर साल 4 साल के बाद ये गेम ऑर्गेनाइज किए जाते थे। सिर्फ ओलंपिक गेम्स ही एशियंट में फेमस नहीं थे, ओलंपिक गेम्स के साथ साथ कुछ और रीजनल गेम्स भी वहां पे हुआ करते थे।
जैसे अभी आप देख रहे हैं आज के दौर में ओलंपिक गेम्स के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स भी हैं, हमारे एशियन गेम्स भी हैं, जो अपने छोटे छोटे स्तर पे जो अपने राज्य थे वो लोग भी गेम्स ऑर्गेनाइज करते थे ताकि ओलंपिक गेम्स के लिए वो खिलाड़ी तैयार कर सके और वहां पे प्राइज जीते, उनके खिलाड़ी उनके राज्य से आया हुआ व्यक्ति ही वहां पे विनर हो। इस गेम के साथ, ओलंपिक गेम्स के साथ जो दूसरा गेम है वो है पाइथन गेम्स, जो है पीथियन गेम, जो है पीथियन गेम्स आपका अपोलो भगवान के सम्मान में खेला जाता था। अपोलो भगवान सूर्य देव को कहा जाता था, जो सूर्य देव हमारे हैं जो लाइट के मतलब रोशनी के देवता हैं उनको अपोलो कहते थे, और उनके सम्मान में डेल्फी नामक ग्राउंड के ऊपर, वहां पे एक क्षेत्र था डेल्फी, एक गांव था, उसके उसमें ये गेम ऑर्गेनाइज होते थे। और ये एक म्यूजिकल फेस्टिवल हुआ करता था, जो पाइथन है वो एक म्यूजिकल फेस्टिवल, पिथियन जो ओलंपिक्स सॉरी पिथियन जो गेम्स है वो एक म्यूजिकल फेस्टिवल हुआ करता था। इसके जो एक इवेंट्स थे, जो फेमस इवेंट्स थे, जो इसमें अट्रैक्टिव इवेंट्स थे, वो थे आपका हॉर्स कार्ट रेस, रथों की दौड़ और घोड़ दौड़, मतलब हॉर्स रेसिस एंड हॉर्स कार्ट रेस, घोड़ों की दौड़ और रथों की दौड़ जो है, रथों की दौड़ और घोड़ों की दौड़ जो है इसका मेन इंपॉर्टेंस अट्रैक्टिव इवेंट हुआ करते थे, जो जिनको देखने के लिए वहां पे लोग जाया करते थे, पब्लिक इकट्ठी होती थी और कैंडिडेट्स जो इनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। पीथियन ओलंपिक्स में, पीथियन गेम्स में अपोलो के जो भगवान थे उनके उनके सम्मान में डेल्फी ग्राउंड में, और इसमें जो जीतता था उसे लॉरेल वेथ का जो है ताज पहनाया जाता था। जैसे आपने देखा कि ओलंपिक गेम्स में जीतने वाले कैंडिडेट पार्टिसिपेशन को, स्पोर्ट्स प्लेयर को जो है ओलिव जैतून के पत्तों का जो है ताज पहनाया जाता है, वैसे ही आपका पीथियन में लॉरेल के पत्तों से बना हुआ ताज जो है वो पहनाया जाता था। और ये जो है ओलंपिक गेम्स के बाद, ओलंपिक गेम्स जैसे ही एशियन ओलंपिक गेम्स खत्म हुए उनके बाद 2 साल के बाद जो है ये गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे अपने स्थानीय स्तर पे। ठीक है, इसके साथ ही एक और गेम है वह स्थीमियन के गेम्स जो है, स्थीमियन जो गेम्स होते थे वो भी जैसे आपका पीथियन गेम्स है वैसे ही स्थीमियन गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे। ये राजा पोसेडियन जो समुन्द्र के राजा थे, समुन्द्र के राजा के सम्मान में, राजा पोसेडियन के सम्मान में ये कोरिनेथ प्लेस था वहां पर जो है ऑर्गेनाइज किए जाते थे। और इसमें जो कैंडिडेट जीतते थे उनको पाइन से सम्मानित किया जाता था, पाइन के पत्तों का जो ताज था वो पहना जाता था आपको, जो एक आजकल तो मेडल का जो है वो चल रहा है बट उस टाइम सिर्फ ताज हुआ करते थे, और जो ताज मिलते थे उन लोगों को काफी सम्मान दिया जाता था और काफी गिफ्ट जो है उनको प्रोवाइड किए जाते थे। ये भी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी, म्यूजिक एंड बोट रेस, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट अट्रैक्टिव इवेंट है वो है बोट रेस। देखिए आपको यहीं से समझ लेना चाहिए कि पोसेडियन जो है समुद्र के देव, समुद्र भगवान को जो है पोसेडियन नाम दिया गया, जो समुद्र के राजा हैं उनको पोसेडियन नाम दिया गया है, और इसमें जो इवेंट मेन है वो है बोट रेस। ध्यान देने वाली बात यही है कि मेन इवेंट इसका बोट रेस है, और हमारा जो पीथियन है वह एक म्यूजिकल फेस्टिवल है, रिलीजियस फेस्टिवल, जो रिलीजियस धार्मिक जो आपका फेस्टिवल वो है ओलंपिक, ओलंपिक गेम्स आपका रीजनल फेस्टिवल है, धार्मिक फेस्टिवल, प्लस आपका पीथियन जो है वो एक म्यूजिकल फेस्टिवल है, और स्थीमियन में मेन इंपॉर्टेंट अट्रैक्टिव जो गेम है वो है हमारा बोट रेस। बोट रेस आपका काफी वहां पे अट्रैक्टिव इवेंट हुआ करता था, और ये बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी थी, बॉक्सिंग रेसलिंग वगैरह, और म्यूजिक भी इसके अंदर इंक्लूड था, म्यूजिकल जो एक्टिविटीज थी वो भी होती थी। ये हर 3 साल के बाद, ओलंपिक जैसे ही हुआ उसके 3 साल के बाद ये गेम ऑर्गेनाइज किए जाते थे, जैसे ही ओलंपिक खत्म होता था उसके 3 साल के बाद ये गेम ऑर्गेनाइज होने थे। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी 2016 का ओलंपिक खत्म हुआ तो 2018 में आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, एशियन गेम्स हो गए, ये फिक्स है हर 4 साल के बाद, बट ओलंपिक के साथ नहीं आएंगे ना ये। 2018 में आपके दोनों गेम आ रहे हैं, एशियन एंड कॉमनवेल्थ, बट ओलंपिक के साथ नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे ही ये इवेंट एक दूसरे से क्लैश नहीं करते थे, अलग अलग ड्यूरेशन में रखे हुए थे। 2 साल के बाद आपका पीथियन होगा ओलंपिक से, 2 साल फिर उसके बाद ओलंपिक से 2 साल के बाद आपका स्थीमियन होगा, और लास्ट में जो आपका एक गेम है वो है नीमियन। नीमियन जो है राजा हरक्लस, जो राज आपका भगवान ज्यूस के बेटे थे उनके सम्मान में, राजा हरक्लस जो है भगवान ज्यूस के जो बेटे थे उनके सम्मान में जो नीमियन गेम्स हैं ऑर्गेनाइज किए जाते थे अर्गलिस स्थान पे। अर्गलिस प्लेस है, प्लेस जो अर्गलिस है ग्रीक में, वहां पर जो है नीमियन गेम्स राजा ज्यूस के बेटे हरक्लस के सम्मान में अर्गलिस के प्लेस पर ये सम्मानित के
ऑर्गेनाइज किए जाते थे, और इसका जो मुख्य मेन इवेंट था वो था वुमेन रेसलिंग। इट्स आर टोटली डिफरेंट बाकी से, क्योंकि ओलंपिक में हम आगे पढ़ेंगे कि जो कंडीशन थी ओलंपिक्स की, वो मैं आपको बता देता हूं। कुछ कंडीशन थी, एक तो जितने भी ग्रीक के पीपल्स हैं वो ही ओलंपिक पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कोई अदर नहीं कर पाएगा, सिर्फ ग्रीक के लोग ही। वहां पे जो दास थे, जो जेल में कैदी बंद थे या जो दोषी लोग थे, वो ओलंपिक में बिल्कुल भाग नहीं ले सकते थे। दूसरा, महिलाओं के लिए ओलंपिक देखना तक बैन था। पार्टिसिपेशन की तो बात बहुत दूर है, महिलाओं के लिए ओलंपिक देखना तक बैन था। महिला ओलंपिक देख भी नहीं सकती थी, पार्टिसिपेशन तो बहुत दूर की बात है। मगर नीमियन में जो मेन अट्रैक्टिव इवेंट था वो था वुमेन रेसलिंग। नीमियन जो गेम्स होते थे, क्षेत्रीय गेम होते थे, यहाँ पे महिलाओं को सम्मान के लिए या फिर उनके रुचि को देखते हुए नीमियन में राजा हरकुलस के सम्मान में वुमेन रेसलिंग का भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। बाकी आपका बॉक्सिंग, रेसलिंग, रेस, ये तो कॉमन है। जो आपका ओलंपिक में जो इवेंट्स थे, और जो आज के डेट में सबसे पहले 1896 के ओलंपिक में जो गेम्स आए थे, स्विमिंग था आपका, रेसलिंग, बॉक्सिंग एंड एथलेटिक्स, वही सेम इवेंट आपके नियमियन में थे और वही हमारे ओलंपिक में भी थे। और ये गेम जो है ओलंपिक के 2 या 3 साल के बाद, जैसे ही आपके ओलंपिक हुए, ओलंपिक खत्म होते ही उनके 2 या 3 साल, मतलब ये गेम क्लैश करते थे पेशियन ओलंपिक, पेशियन गेम्स को और स्थीमियन गेम्स को, नीमियन गेम्स, 2 या 3 साल के बाद ये ऑर्गेनाइज किए जाते थे। ठीक है, ये हमारे एशियन ओलंपिक का है टोटल। एशियन ओलंपिक्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, बट मेन ओलंपिक जो ओलंपिया प्लेस पे होता था, ये सबसे बड़ा इवेंट होता था, और राजा भगवान ज्यूस के सम्मान में ये गेम कराए जाते थे। और उसके बाद जो आपके क्षेत्रीय इवेंट होते थे, जो एक पूरे ग्रीक का ना होके सिर्फ एक क्षेत्र का जो होता था, वो था पीथियन, स्थीमियन एंड नीमियन। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं कि ओलंपिक गेम्स की क्या क्या कंडीशंस थी। एशियन ओलंपिक गेम्स की कुछ कंडीशंस थी, जिन कंडीशंस, जो उनके रूल्स रेगुलेशन थे कि कौन लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किन के लिए बैन है। मैंने आपको बताया भी था कि फीमेल्स के लिए टोटल बैन था, बट नीमियन जो गेम्स थे उनमें फीमेल रेसलिंग भी एक अट्रैक्टिव इवेंट थी। और ऐसे ही जो ओलंपिक गेम्स थे उनके बाकी थे ऑथ। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑथ की। ऑथ जो है, ऑथ ओलंपिक गेम्स, एशियन ओलंपिक गेम्स में जो ऑथ है वो ऑनर में ली जाती थी गॉड ज्यूस के। गॉड ज्यूस को साक्षी मानकर वह शपथ लेते थे। शपथ कौन लेता था? जितने भी पार्टिसिपेशन है वो लेते थे, उनके कोच, जज और ऑडियंस। ऑडियंस में पार्टिसिपेशन का भाई होता था, ब्रदर होता था, उसका कोई भी ब्लड रिलेटेड या फिर रिलेशन वाला, फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स जो होते थे, सभी ये ओथ लेते थे कि इन ओलंपिक गेम्स के दौरान हम अपने प्रेम से, प्रेम पूर्वक सहयोगियों को, बाकी अपोनेंट्स को, बिना किसी द्वेषपूर्ण भावना के, बिना किसी हीन भावना के, हम इन गेम्स में को कंप्लीट करेंगे और इसमें भाग लेंगे, चाहे वो देखने वाले हों या जज हो। जज का भी ये नहीं होता था कि हम लोग जो हैं, राजा अगर इसमें भाग ले रहा है तो हम उसको विनर बनाएंगे या फिर भेदभाव करेंगे, नहीं। गेम के दौरान मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओलंपिक गेम्स, जब तक ये ओलंपिक गेम्स यूनानियों ने इन ओलंपिक गेम्स को खेला, तब तक इन ओलंपिक गेम्स की खासियत ये रही थी कि इसमें राजा भी एक आम नागरिक नागरिक की तरह भाग लेता था। किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होता था कि वह राजा है इस गेम में, जिस गेम में राजा भाग ले रहा है वो ही जीतेगा, नहीं। कोई भी कैंडिडेट जीत सकता था जिसमें काबिलियत थी। मगर जब ग्रीक की सभ्यता समाप्त हुई और ग्रीक के ऊपर रोम का साम्राज्य हो गया, जब ग्रीक की सभ्यता समाप्त हुई, जब ग्रीक के ऊपर रोम का साम्राज्य हो गया, तो रोम के साम्राज्य में ये गेम्स जो है करप्ट होने लगे, इनमें भ्रष्टाचार आ गया। रोम के राजा चाहते थे कि हर बार वो ही जीते, और वे जजों को शपथ तो लेते थे पर इंटरनली पैसा या फिर कुछ भी लालच देके अपने आप को वो विनर बना लेते थे, या फिर जो कैंडिडेट्स वहां पे आते थे जो उनसे ज्यादा बड़े थे, मतलब स्पोर्ट्स में किसी में भी अच्छी काबिलियत रखते थे, उनको किसी ना किसी तरीके से वो साइड कर देते। एक भ्रष्टाचार का जो है, रोम के टाइम में, रोम के काल में ये भ्रष्टाचार का एक केंद्र बन चुका था। बट जब तक यूनानियों के, हाँ, ये इवेंट्स हुए, यूनानियों ने स्टार्ट किए थे, यूनानियों ने इनको खेला, तब तक ये इवेंट्स एकदम शपथ के अकॉर्डिंग पूरा बिना किसी भेदभाव के होता था।
ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पार्टिसिपेशन अलाउड ओनली फॉर ग्रीक्स बॉर्न पीपल। जब तक ग्रीक सभ्यता के अंदर ये ओलंपिक गेम्स हुए, रोम सभ्यता का ग्रीक सभ्यता के ऊपर कब्जा नहीं हुआ या उन्होंने उसको समाप्त नहीं कर दिया, तब तक इसमें केवल ये रूल था कि ग्रीक में जो जन्मा है वही व्यक्ति इसके अंदर भाग ले सकता है, उसके अलावा कोई पर्सन नहीं। अगर वो उनके ग्रीक के यहाँ जेल में भी कैद है, कैदी है, या फिर ग्रीक का कोई आदमी जो किसी जुर्म में जेल में कैदी है, वो भी इसमें भाग नहीं ले सकता था। ये एक धार्मिक फेस्टिवल था, एक रिलीजियस फेस्टिवल था, और इसको उतनी ही शुद्धता से ये लोग मनाते थे जितनी शुद्धता से ये अपने भगवान की पूजा किया करते थे। तो एकदम फेयर होता था ये गेम, इसमें किसी प्रकार कोई दोष वाला व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट नहीं लेता था, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट्स थे सब इसके अंदर नेक्ड नग्न अवस्था में ही भाग लेते थे, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, टोटल वो नग्न होके ही इसके समय भाग लेते थे, सारे गेम इवेंट्स को ये खेलते थे। और इसमें इवेंट्स जो हैं आपके, मैं आपको बता देता था कि फुट रेस जो है इसका एक पहला इवेंट था, ये इवेंट्स फुट रेस एंड डिस्कस, और उसके बाद आपका हॉर्स कार्ट रेस और बाकी रेसेस रेसलिंग, ये सारे इवेंट इसमें बाद में ऐड किए गए। देखिए फुट रेस मैं आपको बता दूं कि इवेंट्स जो है नेकेड अवस्था में इवेंट से फुट रेस इसका मेन इवेंट था, जो पहले दिन चलता था, मतलब ओलंपिक पहले दिन क्या है, सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी होती थी, उसके बाद जो नेक्स्ट सेकेंड डे आता था जिस दिन इवेंट स्टार्ट होते थे, उस दिन पहले दिन टोटल फुट रेस होता था और ट्रैक स्ट्रेट होता था। जो ट्रैक होता था वह स्ट्रेट होता था, जो ट्रैक है वो स्ट्रेट होता था, एकदम सीधा। अभी तो आपने देखा एथलेटिक ट्रैक हमारे राउंड में होता है, मगर उस टाइम में जो है ट्रैक एकदम सीधा होता था, ठीक। और बाकी डिस्कस थ्रो, हॉर्स कार्ट, रेसलिंग, ये इसमें बाद के इवेंट्स हैं। 776 ईसा पूर्व, मतलब 776 BC में जो पहले ओलंपिक हुआ उसमें सिर्फ एक इवेंट हुआ था फुट रेस, वो भी एक दिन चला था, मगर उसके बाद धीरे धीरे बाकी इवेंट जो लोग रीजनेबल वहां पे खेलते थे अपने क्षेत्र में ग्रीक के अंदर, उनमें से कुछ चुने हुए इवेंट्स जो हैं इसके अंदर ऐड कर दिए गए। और रिलीजियस फेस्टिवल को 5 दिन चलाया जाता था, पहले दिन सिर्फ शपथ होती थी, उसके बाद आपके इवेंट होते थे, नेक्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ डे, और फिफ्थ डेज में क्लोजिंग सेरेमनी और मेडल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे भी था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ओलंपिक गेम्स कैसा फेस्टिवल था। ओलंपिक गेम्स एक रिलीजियस फेस्टिवल था, एक धार्मिक फेस्टिवल था। मैंने आपको बताया था कि जिस जब अगस्त और सितंबर के महीने में ये गेम स्पेशली ऑर्गेनाइज किए जाते थे हर 4 साल के बाद, अगर इस बीच जब ओलंपिक गेम होने हो और वहां पे कोई युद्ध हो रहा है, ग्रीक के लोग युद्ध कर रहे हैं या बाकी ग्रीक पे कोई युद्ध हो रहा है या ग्रीक के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो इस टाइम में वो युद्ध समाप्त कर दिया जाता था, वहां पे शांति बहाल कर दी जाती थी, और बिना डर के सभी लोग ओलंपिया नामक स्थान पे इकट्ठा होते थे। उनका ये मानना था कि इस गेम में हम प्रेम पूर्वक बिना किसी दोषपूर्ण भावना के, किसी भी हीन भावना के, हम इन किस गेम में हिस्सा लेंगे और हमें किसी प्रकार कोई डर नहीं है, हमारी जान को कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वह युद्ध करने वाले दोनों अपोनेंट क्यों ना हो सामने हो, वहां पे लड़ाई की कोई बात ही नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ये उनका धार्मिक फेस्टिवल था, राइट। अब मैं बात करता हूं इसमें केवल एमेच्योर जो प्लेयर होते थे, जो पार्टिसिपेट कर सकते थे, वो एमेच्योर प्लेयर मतलब शौकीन तौर पर, शौकिया तौर पर जो लोग खेलते थे वो लोग इसके अंदर भाग ले सकते थे, पैसे के लिए नहीं, सिर्फ शौकिया तौर पर। आज की जो मॉडर्न ओलंपिक है उसमें भी यही रूल्स है कि आप शौकीन तौर पर खेलिए, आप भाग लीजिए, बट जो फाइनेंशियल जो फिर प्रोफेशनली खेल रहा है उसको ओलंपिक में आज भी कोई प्लेस नहीं है, उसका कोई जगह नहीं है, वह भाग नहीं ले सकता, रिजेक्ट कर दिया जाता है, वैसे ही पुराने टाइम में भी। और एक कंडीशन होती है कि जो कैंडिडेट, जो पार्टिसिपेशन है, जो प्लेयर है, वो लास्ट 10 महीने से ट्रेनिंग कर रहा हो और गेम स्टार्ट होने के 1 महीना पहले वो ओलंपिया नामक प्लेस पे पहुंच जाता था, ताकि वह गेम, वह खिलाड़ी ये जांच हो सके कि वह खिलाड़ी किसी दूसरे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को नहीं बढ़ाया, जैसे भी डोपिंग का मैटर चल रहा है, ठीक है। एक हम बात करते हैं नेक्स्ट, एशियंट ओलंपिक, जो टोटल एशियंट ओलंपिक जो चले वो चले टोटल 12 सेंचुरी, सिर्फ 1200 काल, 1200 वर्ष, ये 12 सेंचुरी तक एशियंट ओलंपिक चले और 293 बार ये ऑर्गेनाइज हो पाए हैं।
ठीक है, जो फर्स्ट ओलंपिक का विनर थे वो थे कोरेबस माइलो। जो फर्स्ट ओलंपिक के विनर थे वो थे कोरेबस माइलो, राइट। कोरेबस माइलो फर्स्ट ओलंपिक के विनर थे फुट रेस में। जो पहला ओलंपिक 776 BC को जो हुआ था, उसका जो फुट रेस हुआ था, उसके जो विनर थे कोरेबस माइलो थे। एक आम नागरिक ही था ये, यूनान का था, ग्रीक का था। ओलंपिक क्लोज जो ऑर्डर दिया वह दिया था थियोडियस ओलंप राजा ने, जो रोम से थे। जब रोम ने ओलंप ग्रीक के ऊपर कब्जा कर लिया तो उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। ईसाई धर्म को अपनाने के बाद वह व्यक्ति की सुंदरता, उनकी ब्यूटी को ज्यादा महत्व देने लगे थे। उनका मानना था कि व्यक्ति सुंदर है, अच्छा है, उसको पूरा किया जाए, उसकी पूर्ति की जाए। तो अब थियोडियस जो है उन्होंने ओलंपिक को बंद करने का ऑर्डर दे दिया, राइट। अब लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि एशियंट ओलंपिक और मॉडर्न ओलंपिक के बीच में डिफरेंस कितना है। एशियंट ओलंपिक और मॉडर्न ओलंपिक के बीच में डिफरेंस है टोटल 1500 ईयर्स का, 1500 साल का। 1500 साल के बाद आपके मॉडर्न ओलंपिक दोबारा से जो है ऑर्गेनाइज किए गए, ठीक है क्लास। अभी ये हमारा टॉपिक आज का फिजिकल एजुकेशन का एशियंट ओलंपिक टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मॉडर्न ओलंपिक के साथ। थैंक यू। दोस्तों, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको सीधे वेबसाइट पे विजिट करना है, जो कि है www.cgscoaching.com। उस पर जाकर आपको क्लिक करना है ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर, जिसमें कि सभी कोर्सेज के अलग अलग टैब्स बने होंगे। आपको अपने पसंदीदा कोर्स पे क्लिक करना है, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको उस पेज पर मिल जाएगी। साथ ही साथ उसी पेज से आप कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं, बाय नाउ भी कर सकते हैं, डेमो क्लासेस भी आप देख सकते हैं रजिस्टर करके बिना कोर्स ज्वाइन किए भी। अगर आपको कोई भी असुविधा होती है, आप अतिरिक्त कोई जानकारी चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर्स पे, जो ऑफिस के नंबर्स हैं, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप ऑफिस टाइमिंग में कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट काउंसलर्स आपको पूरी जानकारी भी देंगे, साथ ही साथ परीक्षा संबंधित जानकारियां भी आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक विशेष दिशा, विशेष आयाम सीजीएस कोचिंग के साथ मिलकर दे सकते हैं। और हमारा नारा है दोस्तों कि यह वर्ष 2020 हम आप सबके लिए मिलकर बनाएंगे सफलता वर्ष 2020। तो आइए तैयारी करते हैं, सीधे सीधे बैच में मिलते हैं और एक अच्छे लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ एक अच्छा टीचर बनने का सपना मिलकर पूरा करते हैं। दोस्तों, नमस्कार।